को एक तरह से दीमक की तरह जो लोग हम पर राज कर रहे हैं वो खा रहे हैं। तो सब मैं ऐसी बात कहने जा रही हूँ, हो सकता है आप सबको हैरानी हो कि जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। वो देश के संविधान को लगातार कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, कानून के राज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और न सिर्फ कि ये लोकतंत्र विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, बल्कि घोर महिला विरोधी भी हैं। जब महिलाओं के साथ ज्यादती होती है तो हम उसे महिला मुद्दा बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि महिलाओं का ये आंतरिक मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, ये कानून के राज का मुद्दा है, ये भारतीय लोकतंत्र का मुद्दा है, भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का मुद्दा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जागृत नहीं होगा इस देश का हर नागरिक, तब तक इस तरह का अत्याचार होता रहेगा। सबसे ज्यादा जो हैरानी और अफसोस की बात यह है, अगर ऐसा हुआ होता कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसके बाद जो आरोपी थे उनको सजा मिल गई होती, उस परिवार को न्याय मिल गया होता, तो मैं कहती कि यहाँ देश में कानून का राज काम कर रहा है, देश का सिस्टम काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के सिस्टम को एक तरह से दीमक की तरह जो लोग हम पर राज कर रहे हैं वो खा रहे हैं। तो सब मैं ऐसी बात कहने जा रही हूँ, हो सकता है आप सबको हैरानी हो कि जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। एक तरफ हम अल्पसंख्यक विरोधियों के लिए मांग करते हैं या फिर जिस तरीके की जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ एक अलग ही तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। एक महाराज जी आके कहते हैं कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो ये लड़ाई इन बाकी मुद्दों से ज्यादा हावी लगती है आपको इस वक्त देश में? मुझे तो लगता है घोषणा की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है, हम और आप एक हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, ये जीता जागता हिंदू राष्ट्र ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पर आधारित जो भी समाज होता है, धर्म पर आधारित जो समाज होता है, उस समाज में बराबरी नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त यह है कि हर नागरिक बराबर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी देश और सिस्टम व्यवस्था धर्म पर आधारित होती है उसमें गैर बराबरी होती है। आप मुझे आज बताइए, आप और मैं और यहाँ बैठे हुए हमारे सारे पत्रकार जो भाई बहन हैं, क्या हम बराबरी महसूस कर रहे हैं? अगर बराबर होती हमारी हाथरस की वो हमारी बहन, तो क्या उसके साथ ये ज्यादती होती? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम का कोलैप्स है, और मुझे लगता है किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। मैम, आपने एक आंकड़ा रेखांकित किया, आपने 2014 से पहले और 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं उसको बड़ी खूबसूरती से, आपने बड़ी अच्छे तरीके से उसको बयान किया। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी सरकार के आने के बाद से, मोदी राज के बाद से देश की स्थितियां बद से बदतर हो? देखिए, पहले जो ध्यान था वो ये था कि संविधान ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से हम लागू कर चुके थे। संविधान हमारे लिए एक गाइड का काम करता था, और हम कोशिश ये करते थे कि हम धर्म एक तरह से प्रधान देश हैं, उसके बावजूद भी हम सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, महिलाओं के लिए बराबरी, और हम चाहते थे कि एक ओवरऑल एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे ये देश किसी तरह से चले संविधान के मुताबिक। तो अब तक हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम कोशिश करें कि जो संविधान ने हमें आदर्श दिए हैं हम उनका पालन करें, उनको हम उन तक पहुंचने की कोशिश करें। पिछले 7 साल में जो हुआ है वो ये कि देश के संविधान को कमज़ोर करने का काम किया है उन लोगों ने जिनके ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है। तो इससे बड़ी जो डाइकॉटमी है वो नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले 7 साल में जो हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ। मैं आपसे एक सवाल ऐसा करना चाहती हूँ कि हम आज एक कैसे दौर में आ चुके हैं, कैसे समाज में आ चुके हैं जहाँ पे रेप जैसे संवेदनशील मामला भी होता है तो उसमें सबसे पहले जाति, धर्म, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके की चीज़ें पहले सामने आती है। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का रेप कर दिया या इस तरीके की बातें पहले सामने आती हैं और बाद में रेप जैसे संवेदनशील जैसी बातों का सामना किया जाता है, तो इस तरीके के समाज में हम कैसे आ गए? बहुत सुंदर सवाल है ये, और ये मुझे झकझोरता है एक महिला के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पर, कि देखिए कि हमारे देश का डीएनए बदलने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे सोचने का काम है वो हमने आउटसोर्स कर दिया है कुछ और लोगों पे, कि हम नहीं सोचेंगे, आप हमारे लिए सोचेंगे। हमारे सिर्फ जो हमारे राजनीतिक विचार हैं, हमारे वोट करने की जो एक विकल्प है, जो चॉइस है, जो अधिकार है, उस पर ही नहीं बल्कि हमारे मन मस्तिष्क पे एक विचारधारा का कब्जा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेता बदल जाएं, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि जनता बदल रही है। अब हम इस बात को लेके हमें गुस्सा आएगा कि अच्छा ठीक है, तो मेरा धर्म हिंदू धर्म है और लड़की अगर मुसलमान है उसके साथ ज्यादती हुई है तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। चलिए, इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। मैं चलिए दलित हूँ और अगर सवर्ण के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, इनके साथ ऐसा हो सकता है। तो हमारी जो मानवीय संवेदनाएं, नागरिकता भूल जाइए आप, एक मानव के तौर पर जो हमारी संवेदनाएं हैं वो इतने निम्नतम स्तर
स्तर पर पहुंच चुकी हैं, सिर्फ ये फाड़ करके हमारे समाज में, विभाजित करके हमारे समाज को, कि आप दलितों को बांट दीजिए, मजदूरों को बांट दीजिए, आप कारोबारियों को बांट दीजिए, पत्रकारों को बांट दीजिए, सबको बताइए कि आपका धर्म यह है, आपकी जाति यह है, ताकि कोई भी एक तबका यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर कोई चैलेंज पैदा ना कर सके, कोई चुनौती पेश ना कर सके। इन सारी चुनौतियों का जो आपने बताई, समाधान क्या दिखता है आपको? देखिए, समाधान है, आज इस कमरे में जो हुआ है, आपको लगता है ये किसी क्रांति से कम है क्या? ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में क्रांति होती है। कहा जाता है कि चार दीवाने मिलकर दुनिया बदल देते हैं, यहाँ चार नहीं 40-50 दीवाने मौजूद थे। ये इसी तरह की छोटी छोटी बैठकें, इस तरह की गैदरिंग्स, जहाँ हम जो हमारी फैकल्टी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग, आपने पढ़ा होगा साइंस में ये होता है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें सवाल पूछने की जो हमारी क्षमता थी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो क्षमता हमसे छीनी जा रही है। एक लोकतंत्र में अगर आपसे आपके सोचने की, हमारा जो संविधान है उसकी आत्मा है साइंटिफिक टेम्परमेंट, और साइंटिफिक टेम्परमेंट से ही शुरू होती है पूरे संविधान की जो परिकल्पना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, और इसके अलावा सबसे खासकर मैं कहूँगी जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज धर्म प्रधान है, लेकिन हम कोशिश करेंगे धर्म प्रधान होने के बावजूद भी हम वैज्ञानिकता पर आधारित समाज बनाएं। आज उसी पे वापस लौटने की जरूरत है, धर्म पर आधारित नहीं, वैज्ञानिकता पर आधारित। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।